सो गाइस मैंने आपको 10,000, 15,000 और 20,000 तीनों सेगमेंट में अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड कर दिए। आपका जैसा भी बजट है आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके कोई भी वीडियो देख सकते हो। जैसा भी आपका बजट है उस बजट में आप अपना स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो। एंड मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग जो स्मार्टफोन्स हैं वो बताए हैं उस लिस्ट में, तो जा करके चेकआउट करना, क्योंकि ऐसे में बताने बैठ गया तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने सारी लिस्ट इन्हीं वीडियोज़ में बता दी है, तो जा करके चेकआउट जरूर से कर लेना। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फोन बताए हैं, जो कि 12-15 हज़ार के फोन मिलते थे वो 10,000 के सेगमेंट में बताए हैं, और जो 20,000 के अराउंड देखने को मिलते थे वो मैंने 15,000 के सेगमेंट में बता दिए हैं, और जो कि 28-29 हज़ार के फोन थे वो 20,000 के सेगमेंट में देखने को मिल रहे हैं। फ्लैगशिप फोन आपको 20,000 तक देखने को मिल रहा है, जाकर के सारी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो अभी जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो 1500 में ईयरबड्स के ऊपर है, और 1500 में इंटरेस्टिंग ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट बड्स पे भी देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा एक्सिस और ICICI के कार्ड पे, तो वो भी चेकआउट कर लेना। बट यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रखा है, तो वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और 1500 के अंदर बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर जो बर्ड्स है वो आ रहे हैं। वेल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप में से 96% लोगों जो कि चैनल देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो ईयरबड्स निकल करके आ रहा है बोट की तरफ से है, बोट एयरडोप्स 131। ये जो लॉन्च प्राइस था इसका वो 1300 के आसपास था, बाद में इसका मतलब रेगुलर जो प्राइस रहता है वो 1200 के अराउंड रहता है। अभी सेल में इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 800 रुपीज़ है, मतलब 799 का देखने को मिल रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। 1000 के अंदर ये काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट ईयरबड्स की बात करूँ तो यहाँ पर नॉइस की तरफ से अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुए थे बर्ड्स मिनी, ये डिसेंट मेरे को लगते हैं, मतलब 1000 के अंदर अभी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। वैसे इनकी रेगुलर प्राइस 1300-1400 के अराउंड रहती है, तो अभी ये जो बर्ड्स हैं वो आपको 900 के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 895 इनकी जो प्राइस है वो देखने को मिल रही है, 1000 के अंदर मैं कहूँगा काफ़ी अच्छे यहाँ पर बर्ड्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ एप्पल जैसा इन्होंने कॉपी कर रखा है डिज़ाइन, वो तो आप देख करके ही समझ जाओगे। तो हाँ, ये भी अच्छे हैं, अगर 1000 के अंदर देख रहे हो तो ये भी आप चॉइस रख सकते हो। देन इसके बाद मेरे को 1000 के अंदर सबसे अच्छे जो ईयरबड्स लगे वो है रियलमी बर्ड्स Q2 नियो। इसमें ENC भी देखने को मिल जाता है भाई, ये काफ़ी अच्छा है, और 1000 के अंदर मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगे। इस समय इसका जो प्राइस है वो 999 चल रहा है, वैसे इसकी रेगुलर प्राइस 1500 के आसपास रहती है, तो मतलब सीधे 500 का डिस्काउंट यहाँ पर मिल रखा है आपको, तो जाकर के चेकआउट करना। वन ऑफ द बेस्ट मेरे को 1000 के अंदर ये जो बर्ड्स हैं वो मिल, 1000 के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट मेरे को ईयरबड्स लगते हैं। अगर आपको 1000 में मिल रहे हैं तो भाई बहुत ही अच्छी डील है। वैसे ये 1500 के अंदर भी बेस्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी आपको 1000 में मिल रहा है तो मेरे ख्याल से ये डील आपको नहीं छोड़नी चाहिए। देन इसके बाद ट्रूक की तरफ से आते हैं ट्रूक बर्ड्स Q1। अब इसकी खासियत ये है कि भाई यहाँ पर आपको जो केस है वो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, वहाँ पर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि मतलब आपको बताता है कि इसमें बैटरी परसेंटेज कितना है, ये भी शो करता है, तो ये एक अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें ENC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसकी जो रेगुलर प्राइसिंग है वो वही 1500 के अराउंड रहती है, लेकिन अभी इस सेल में 1100 का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो अगर आप देख रहे हो एक अच्छा बर्ड्स 1000-1100 के आसपास, तो ये भी ऑप्शन में रख सकते हो। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा ऑप्शन है। इस बर्ड्स की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको यहाँ पर 60 आवर का चार्जिंग टाइम देखने को मिल जाता है, मतलब इसका जो केस है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो वहाँ पे आपको मतलब बैटरी बैकअप का कोई भी इशू नहीं होगा, तो अगर बैटरी के लिए बेसिकली चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड इसकी साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। देन 1500 के अंदर मेरे को एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर बर्ड्स देखने को मिला है, साउंड कोर बाय एंकर R100 फास्ट चार्जिंग इसमें आपको देखने को मिल जाती है। 25 आवर का यहाँ पर प्लेबैक टाइम वगैरह देखने को मिल जाता है। इस समय इसकी जो प्राइसिंग है वो 1400 चल रही है, वैसे रेगुलर प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा रहती है, लेकिन अभी सेल में आपको 1500 के अंदर देखने को मिल रहा है, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, और डेफिनेटली इसकी जो साउंड क्वालिटी वो काफ़ी तगड़ी है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं वो सेंसर्ड नहीं है, वो टैक्टाइल बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आपको मतलब ऐसे पुश करना पड़ेगा बटन्स को, तभी वो चीज़ काम करेगी। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, बाकी यहाँ पे सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। IPX5 वाटरप्रूफ वगैरह भी देखने को मिल जाता है, Type-C यहाँ पर है, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है, तो हर चीज़ बढ़िया यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। मेरे हिसाब से अगर 1500 में अच्छी साउंड क्वालिटी में अगर कोई आप ईयरबड्स देख रहे हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। देन इसके बाद जो सबसे अच्छी डील चल रही है डीजो बाय रियलमी टेक लाइफ बर्ड Z, भाई ये वन ऑफ दी बेस्ट डील इस समय चल रही है। 1300 रुपये का ये प्रोवाइड हो रहा है, और इसका जो रेगुलर प्राइस है वो 2000 रुपये, रिसेंटली भी लॉन्च हुआ है, और ये जो पहली सेल ही चल रही है इसी सेल में, तो मतलब इसकी भी पहली सेल है और सेल में सेल चल रही है, तो आप देख सकते हो 1300 रुपये में काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये जो बर्ड्स है वो देखने को मिल जाता है। इस बर्ड्स में मुझे थोड़ा सा बैटरी लाइफ कम लगी, क्योंकि यहाँ पर 60 NR का देखने को मिल जाता है, और जो 4 आर के आसपास है वो बैटरी
मतलब बर्ड्स की आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे IPX4 वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिल जाता है, ENC कॉल में देखने को मिल जाता है, तो ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। और रिसेंटली लॉन्च हुआ है अभी, मतलब 10-15 दिन ही हुए हैं, तो आप देख सकते हो। वैसे इसकी रेगुलर प्राइसिंग 2000 रुपये रहेगी, तो आप इसको चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैंने इसको ले लिया है, काफ़ी जल्दी मैं इसका डिटेल रिव्यू लेकर के आने वाला हूँ। जैसे ही ये मेरे पास आ जाता है मैं आपको डिटेल इसका रिव्यू दे दूंगा। इतने ही कुछ बर्ड्स थे मेरे पास जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छी प्राइस पे देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 500 रुपये तो हर बर्ड्स पे कम हो गए हैं, तो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। मेरे को इन बर्ड्स की प्राइसिंग काफ़ी अच्छी लगी, ये काफ़ी अच्छे ही बर्ड्स हैं। और ये जो बर्ड्स मैं आपको बताया हूँ ये लगभग 1500-2000 के आसपास रहते हैं। इस समय कुछ ईयरबड्स 1000 के अंदर आ गए हैं और कुछ तो 1500 के अंदर खिसक के आ गए हैं जो कि 2000 वाले थे। तो आप चेकआउट करना, काफी अच्छी प्राइसिंग यहाँ पर ड्रॉप हुई है। इस समय सेल चल रही है तो मैं कंटिन्यूअसली ऐसी वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ, तो अगर इस तरीके की वीडियो मिस नहीं करना चाहते सेल में डील्स के ऊपर, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक से जाकर के फॉलो कर लेना। अगर इन बर्ड्स में से कोई भी बर्ड्स आपको परचेज करना है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जाकर के चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा लेना।